एक नौजवान शादी की पहली रात देर तक घर नहीं आया। माँ बार बार दरवाजे को देख रही थी कि बेटा कब आएगा। माँ की ख्वाहिश थी कि मैं और नई दुल्हन और बेटा इकट्ठा खाना खाएं। जितनी देर होती जाती माँ की परेशानी में इजाफा होता रहता। सर्दी का मौसम था और माँ की उम्र भी ज्यादा थी। माँ की सर्दी जब हद से बढ़ जाती तो 5 मिनट के लिए कमरे जाती थी और फिर वापस हो जाती थी। एक दफा जब माँ कमरे में चली गई तो बेटे ने बाजार से अच्छा खाना लाया और उस खाने की वजह से लेट भी हुआ था। बेटा सीधा अपने कमरे में चला गया और बीवी को कहा कि मैं बाजार से आपके लिए अच्छा खाना लाया हूँ। बीवी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपकी माँ ने भी रोटी नहीं खाई। मैं माँ को बुलाती हूँ ताकि खाना भी खाएं और उन्हें मालूम भी हो जाए कि उनका बेटा घर आ गया है। बेटे ने कहा कि छोड़ो माँ को, हम दोनों खाना खा के फिर माँ को दे देंगे और बता भी देंगे कि मैं आया हूँ। बीवी ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। अगर आप कुछ हैं तो वो माँ की वजह से ही हैं, और मैं अगर आपकी बीवी हूँ तो ये भी आपकी माँ की वजह से हूँ। बहरहाल बेटे का इसरार था कि पहले खाना हम दोनों खा लें फिर माँ को दें। बीवी ने जब देखा कि ये इंसान नुमा जानवर हैं, तो फौरन कहा कि मुझे तलाक दे दो, मैं जानवर के साथ नहीं रह सकती। माँ बाहर गेट के पास खड़ी थी, बेटे का इंतजार कर रही थी। माँ ने जब कमरे में दूल्हा और दुल्हन की शोर सुनी तो हैरान हो गई कि बेटा कब आया और ये शोर क्यों है। बहरहाल जब माँ कमरे के करीब पहुँच रही थी तो दोनों मियाँ बीवी के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। बीवी ने अपने माँ बाप के घर जाकर कुछ अरसे के बाद दूसरी शादी कर ली, और बूढ़ी माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से रुखसत हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने भी कुछ अरसे के बाद दूसरी शादी की। 30 या 35 साल के बाद ये औरत हज करने जा रही थी। अपने 5 फरमाबरदार और बहुत मालदार लेकिन माँ के गुलामों की तरह काफले की शक्ल में जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर बदहालात में भीख मांग रहा था। जब औरत ने देखा तो अपने बेटों को कहा कि इस बंदे को बुलाओ। बेटों ने फकीर को बुलाया। औरत ने जब करीब से देखा तो खुद जाके फकीर को कान में कहा कि क्या माजरा है, आप भीख मांगते हैं। फकीर ने कहा कि सारी उम्र बहुत पैसा कमाया, अभी जब बूढ़ा हुआ हूँ तो बेटों ने घर से निकाल दिया है और अभी मजदूरी नहीं कर सकता तो मजबूर होकर भीख मांग रहा हूँ। औरत ने कहा कि मैं आपकी पहली बीवी हूँ, आपको अपने अमल की सजा मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अपने अमल की जजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग माँ बाप की इताअत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका कहा मानते हैं और उनके हुक्म पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ोजल उनको जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ अता करता है।